नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल YMW Solution पे। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आप रेड चिप कंपनी की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, एक अपना आउटलेट ओपन कर सकते हैं, एक रेड चिप की शोरूम ओपन कर सकते हैं जहां पर आप रेड चिप के सारे प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। तो फ्रेंड आज इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ों की जानकारी मिल सके कि अगर आपको रेड चिप कंपनी के साथ जुड़कर अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, एक आउटलेट ओपन करना है, तो उसके लिए आपको कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, कितना इन्वेस्टमेंट लगता है और कितना प्रॉफिट्स एंड मार्जिन मिलता है और आप इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो ये सारे चीज़ इस वीडियो में मैंने कवर किया है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि फ्रेंड्स अगर आपको किसी भी चीज़ों की जानकारी चाहिए या फिर कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए या फिर किसी भी कंपनी से आपका कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है, तो आप हमारी वेबसाइट www.ymwsolution.com पे जाकर आप वहाँ कॉन्टैक्ट फॉर्म फिल कर सकते हैं, नहीं तो आपको पर्टिकुलर वीडियो के लिए एक ब्लॉग मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर सारी चीज़ों की जानकारी ले सकते हैं। सारा चीज़ वहाँ पर मैंने डिटेल में बताया रखा है। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग बात कर लेते हैं रेड चिप ब्रांड कंपनी के बारे में। तो फ्रेंड मैं इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि लियन ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जो कि 1997 में अपना एक ब्रांड लॉन्च किया था जिसका नाम था रेड चिप। और ये जो ब्रांड नेम बनाया गया था रेड चिप, इसमें जो है दो इंडस्ट्री में रखा गया है, लेदर और एक फुटवेयर में। और इसके अभी तक जो है 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं जिसमें कि लेदर और फुटवेयर इंडस्ट्री में काम चलता है। तो ये जो है एक बहुत ही समझिए कि बहुत दिनों से 1997 से और अभी तक जो है रेड चिप कंपनी बहुत ही नामी है, और ये अभी लेदर, फुटवेयर और कुछ एसेसरीज भी इनके सेल्स होते हैं। और फ्रेंड ये कंपनी के प्रॉफिट्स एंड मार्जिन भी बहुत अच्छी है, इस कंपनी पर लोग बहुत ही विश्वास भी करते हैं, इस कंपनी के प्रोडक्ट भी बहुत ही अच्छे होते हैं। और अगर आप लोगों ने अगर इस कंपनी के प्रोडक्ट्स को अगर यूज़ किया होगा इससे पहले, तो आपको बहुत ही अच्छे से पता होगा कि रेड चिप ब्रांड का जो भी प्रोडक्ट होता है वो कितना अच्छा होता है, कितना टिकाऊ होता है। तो चलिए फ्रेंड उसके बाद मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस होना चाहिए या फिर आपको कुछ बिजनेस का नॉलेज होना चाहिए, फुटवेयर इंडस्ट्री में कैसे काम करते हैं, गारमेंट इंडस्ट्री में कैसे काम करते हैं, अगर इन सभी चीज़ों की अगर आपको जानकारी है तो आप आसानी से फ्रेंचाइजी मैनेज कर पाएंगे। उसके साथ साथ यहाँ पर आपके पास प्रॉपर स्पेस होना चाहिए, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, उसके साथ साथ यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, तो वो हम लोग आगे बात करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो चलिए फ्रेंड इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आप रेड चिप कंपनी की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो उसमें आपको कितना इन्वेस्टमेंट लगता है। तो फ्रेंड इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर आपको कंपनी को फ्रेंचाइजी फी देना होता है जो कि आपका 1.5 लाख प्लस GST है, और उसके बाद जो है यहाँ पर इंटीरियर का खर्च आपको देना होता है, जैसे कि अगर आपका जो स्पेस है वो अगर आपने कोई एक मॉल में रखा है या फिर वैसे जगह पर रखा है जहाँ पर इंटीरियर वगैरह पहले से ऑलरेडी कुछ किया हुआ है तो आपका कुछ कम लग सकता है इंटीरियर में, लेकिन वैसे इंटीरियर में आपका 10-12 लाख चला जाता है, मतलब 12.5 लाख भी लग जाता है कभी कभी, वो एरिया टू एरिया डिपेंड करता है क्योंकि हर जगह जो है एरिया वाइज जो है जो भी प्रोडक्ट होते हैं, जो भी इंटीरियर के प्रोडक्ट होते हैं, जो भी इंटीरियर का सामान होता है उसका अमाउंट भी वेरी करता है, तो इसलिए जो है यहाँ पर 12.5 लाख तक भी जा सकता है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पर एक आपको अमाउंट डिपॉजिट करना होता है जिसके बिहाफ में कंपनी आपको यहाँ पर प्रोडक्ट देती है, तो वो है आपका 15 लाख रुपीज़, आपको यहाँ पर एक अमाउंट डिपॉजिट करना होता है, और ये अमाउंट जो है वो रिफंडेबल होता है, यानी कि जब भी आप इस काम को छोड़ेंगे, जब भी आप फ्रेंचाइजी लीव करना चाहेंगे तो आप यहाँ पर कंपनी से आप वो जो 15 लाख है वो आप वापस ले सकते हैं। उसके साथ साथ फ्रेंड मैं आपको बता दूँ यहाँ पर जो है आपका जो फ्रेंचाइजी फ़ी देंगे वो आपको दो मॉडल है इनका, एक 5 ईयर्स के लिए, एक 9 ईयर्स के लिए, तो मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि आप 5 ईयर्स के लिए जुड़े जिसमें कि 1.5 लाख प्लस GST है, तो आप शुरुआत में उसी के साथ जुड़ के काम कर सकते हैं और फिर बाद में देखा जाएगा, अगर आप अच्छा से चला पा रहे हैं, आपका सेल अच्छा जा रहा है तो उसके बाद आप रेन्यू करवा सकते हैं या फिर आप आगे उसके लिए मूव कर सकते हैं। तो फ्रेंड अगर टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पर 25-30 लाख रुपीज़ आपको लग जाता है। ये मैं 25-30 इसलिए बोल रहा हूँ कि ये प्लेस टू प्लेस भी वेरी करेगा, किन्हीं के लिए 25 लाख लग सकता है, किसी के लिए 30 लाख रुपीज़ भी लग सकता है, ठीक है। तो ये आप जब ओपन करेंगे, जब कंपनी से बात करेंगे तो वो सारा चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा।
देन चलिए फ्रेंड, उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आप कंपनी के साथ जुड़ते हैं तो उसमें आपको क्या बेनिफिट्स मिलता है, क्या सपोर्ट मिलता है। तो फ्रेंड चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको स्टॉक के लिए सोचना नहीं है, कंपनी की तरफ से एक हायर करके दिया जाता है जो कि आपके स्टॉक पे आपके जो भी प्रोडक्ट हैं जो भी प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो रहा है या फिर वैसा प्रोडक्ट जो नहीं सेल हो रहा है, ये सारे चीज़ों का मैनेजमेंट करते हैं, एक पर्सन रखा जाता है जिनका सैलरी 100 रुपीज़ पर डे के आसपास ऐसा ही कुछ रहता है। तो वो जो है कंपनी आपको हायर करके देगी और आपको स्टॉक के बारे में सोचना नहीं है, कंपनी आपको स्टॉक देगी, सारा चीज़ आपको सेल करना होता है और मतलब मैनेजमेंट आप ही का होगा, जो फ्रेंचाइजी लेते हैं स्टोर मैनेजमेंट आप ही का होगा, लेकिन जो भी डिस्काउंट वगैरह होता है, जो भी ऑफर होता है, जो भी सेल्स चलते हैं फेस्टिवल सीजन में, वो सारा चीज़ जो है कंपनी के द्वारा मैनेज किया जाता है। उसके बाद तो अगर कोई भी प्रोडक्ट अगर आपके स्टोर में नहीं सेल हो पा रहा है तो उसमें कंपनी की तरफ से कोई भी प्रॉफिट मार्जिन आपका कट नहीं होता है, आपको वो सारा जो है इन सीजन सेल में आपका सारा चीज़ निकाल दिया जाएगा और उसमें आपका कोई भी प्रॉफिट मार्जिन कट भी नहीं होता है। उसके साथ साथ यहाँ पर कंपनी की तरफ से आपको पूरा छूट दिया जाता है कि जो भी प्रोडक्ट आपका सेल नहीं हो रहा है उसे आप करेक्शन कर सकते हैं, 100% करेक्शन होता है। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट मंगवा लिया, कोई फुटवेयर का हो या फिर आपका एसेसरीज हो या फिर आपका गारमेंट्स का हो, तो उन सभी में कोई ऐसा प्रोडक्ट जो कि आपका सेल नहीं हो रहा है, बहुत दिनों से आपके स्टोर पर ऐसे ही पड़ा है, तो उसके लिए जो है आपका एक बार कंपनी की तरफ से सितंबर मंथ में ही दिया जाता है कि आप 100% करेक्शन कर सकते हैं, मतलब उसके बदले आप किसी और दूसरे प्रोडक्ट को ले सकते हैं, उसमें आपका कोई भी कट नहीं किया जाता है कंपनी की तरफ से। और फ्रेंड सबसे अच्छा बात मुझे ये लगा कि इसमें जो भी आपका प्रॉफिट मार्जिन है इसमें आपका कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होता है, मतलब यहाँ पर सारा जो भी प्रोडक्ट है उसका कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो वो कंपनी बेयर कर लेगी। तो चलिए फ्रेंड उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो फ्रेंड मैं आपको बता दूँ यहाँ पर आपके कुछ पर्सनल डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, ये सब दे सकते हैं आप। उसके साथ साथ यहाँ पर आप एड्रेस प्रूफ में इलेक्ट्रिसिटी बिल देना होगा जहाँ पर आपका स्टोर है या फिर आप रेंट एग्रीमेंट वहाँ पर दे सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर आपके पास अपना फोटोग्राफ होना चाहिए, मेल आईडी होना चाहिए और एक मोबाइल नंबर आपको देना होगा और आपको एक करंट अकाउंट ओपन कराना होगा जिसमें कि आपको एक कैंसिल चेक भी देना होता है कंपनी को। उसके साथ साथ यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास एक जीएसटी नंबर होना चाहिए, क्योंकि आप जब जीएसटी नंबर बनाएंगे तभी कंपनी के अंदर में जो है आपका एक अकाउंट ओपन हो जाएगा उसी जीएसटी नंबर से, तो जो भी आपका मंथली का सेल होगा उसके बेसिस पे ही आपको सारा कमीशन यहाँ पर प्रोवाइड करा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कुछ आपका प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट लगेंगे, जैसे मैंने आपको बताया रेंट एग्रीमेंट वगैरह आपको यहाँ सबमिट करना होता है और मे बी कि यहाँ पर आपको एक ट्रेड लाइसेंस की जरूरत पड़ सकती है। तो चलिए फ्रेंड अब उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें आपको अगर आप रेड चिप कंपनी के साथ जुड़ते हैं तो उसमें आपको कितना यहाँ पर प्रॉफिट एंड मार्जिन मिलता है। तो फ्रेंड मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो आपका प्रॉफिट एंड मार्जिन है वो आपको कुछ नहीं सोचना है, ये सारा चीज़ जो है कंपनी की तरफ से दिया जाएगा, जो भी आपका सॉफ्टवेयर वगैरह प्रोवाइड कराया जाता है कंपनी की तरफ से वो सारा चीज़ उसमें मेंशन होता है कि कैसे क्या करना है क्या नहीं करना, और आपको ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। तो फ्रेंड मैं आपको बता दूं जैसे कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा सेल करेंगे उतना ज़्यादा आप कमा पाएंगे, तो यहाँ पर जो फ्लैट आपका प्रॉफिट मार्जिन बोल सकते हैं यहाँ पर 29% का दिया जाता है, यानी कि मान लीजिए आपका पर मंथ 10 लाख का अगर सेल होता है तो उसमें 2.9 लाख रुपीज़ का जो है आपको यहाँ पर कंपनी की तरफ से दे दिया जाएगा, मतलब आपको पूरा जो सेल जितना जाएगा जितना भी आपका बिलिंग होगा वो कंपनी के पास जाएगा। मान लीजिए 10,000 का गया तो वो आपको 10,000 में 29% आपको दे देंगे, 9% में आपको सारी चीज़ मैनेज करना, स्टाफ का पेमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल और जो भी आपका रेंट वगैरह वो सारा चीज़ आपको मैनेज करना होगा और आपका जो भी प्रॉफिट है सारा चीज़ 29% में ही होगा। तो यहाँ पर एक चीज़ अच्छा है कि आपको यहाँ पर स्टॉक के बारे में सोचना नहीं है, जो भी आपके आपसे शुरुआत में ही 15 लाख रुपीज़ ले लिया जाता है और उसके बाद जो है कंपनी का यहाँ सारा प्रोडक्ट है, जो भी स्टॉक वगैरह है सारा कंपनी का है, सिर्फ आपको सेल करना है, आपको अपना स्टोर मैनेज करना है और बाकी तो फिर सारा कंपनी संभाल ही लेगी। उसके बाद चलिए फ्रेंड हम लोग बात कर लेते हैं फाइनली कि आप इसके लिए अप्लाई कैसे करेंगे। तो फ्रेंड अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, जहां जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं ये आपके सामने वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगा। तो यहां पर आपको कुछ व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है, आप इस पर भी कॉल मतलब व्हाट्सअप कर सकते हैं, नहीं तो यहां पर आप कॉन्टैक्ट फॉर्म फिल कर सकते हैं और आपको 2 से 3 डेज़ के अंदर जो है आपको कंपनी की तरफ से रिस्पॉन्स आ जाएगा। अगर फ्रेंड अगर आपको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता तो आप देख सकते हैं आपके जो स्क्रीन पर भी नंबर दिख रहा है, इस पे डायरेक्टली कॉल करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं रेड चिप फ्रेंचाइजी लेने के लिए। और फ्रेंड अगर इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए या फिर अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ पर जल्द से जल्द रिप्लाई कर दूंगा। तो चलिए फ्रेंड आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अभी के लिए जय हिंद।